ये पांच कॉलम बना के नीचे पाइल फाउंडेशन भी बना दी गई है जा रहा है। इसके अलावा बड़ी तादाद में स्टील के रिंग्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ रखे की तैयारी की जा रही है। और इस जाम सदक ब्रिज के ऊपर से इसको गुजारा जाएगा। हाई टेंशन वायर के हम चल रहा है वो इंशाल्लाह आपको इस ब्लॉग के ज़रिए मज़ीद अपडेट किया जाएगा। मनाजिर पांच कॉलम ये लाइन क्योंकि मुझे डिज़ाइन मेरे पास नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मेरे अपने आइडियाज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ अहमद चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त कयूमाबाद इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। सामने आपको सेंटर पॉइंट बिल्डिंग भी नज़र आ रही होगी। ये न्यू जाम सादिक ब्रिज बनने जा रहा है जिसके कॉलम्स के मुतालिक मैं पहले भी जो बन चुके हैं उनकी अपडेट कर चुका हूं। आज मैं यहां तकरीबन कोई एक हफ़्ते के बाद दोबारा आया हूं और जो भी यहां पर डेवलपमेंट काम चल रहा है वो इंशाल्लाह आपको इस ब्लॉग के ज़रिए मज़ीद अपडेट किया जाएगा। तो सामने है जाम सादिक ब्रिज और इसी के ऊपर एक न्यू जाम सादिक ब्रिज बनने जा रहा है। मैं इस वक्त कयूमाबाद इंटरचेंज के दूसरे पार्ट में मौजूद हूँ। जिस तरह लास्ट में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे पांच कॉलम बनाए जाने थे, ये पांच कॉलम बना के नीचे पाइल फाउंडेशन भी बना दी गई है और ये कॉलम्स इस वक्त ज़मीन के लेवल से ऊपर आ चुके हैं और इसके ऊपर मज़ीद स्टील निकला हुआ है। इसके ऊपर अब पाइल कैप बने गए, मज़ीद इस पर स्टील लगा के इसको मज़ीद पोर किया जाएगा। इसके मुतालिक अभी मुझे कुछ पोजिशन क्लियर नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हाइट नज़र आ रही है अंदाज़ा है कि इसको भी यहाँ तकरीबन कोई 45-50 फुट के करीब इसकी हाइट की जाएगी। इसी तरह मशीनरी यहाँ पे पाइल मशीन दूसरी जगह पे मौजूद है, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि पाइल मशीन एक दूसरे पॉइंट के ऊपर अब काम स्टार्ट करना शुरू करेगी। ये आपके सामने यहाँ के मनाजिर पांच कॉलम ये लाइन से यहाँ पर बना दिए गए। आज 27 जुलाई है, 4:30 का इस वक्त टाइम है। बड़ी तादाद में यहाँ पे रिंग्स वगैरह स्टील वगैरह बना के रखे गए हैं, शटरिंग वगैरह भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, साथ साथ जाम सादिक ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा, स्टील के केज भी बनाए गए हैं वो भी रखे हुए नज़र आ रहे होंगे, शटरिंग भी दिख रही होगी। ये शटरिंग कॉलम की सराउंडिंग लगाई जाती है। इससे पहले जब मैं लास्ट एक मैंने वीडियो बनाई थी, ये शटरिंग लगाने का काम चल रहा था, जिसको मैंने बताया था कि क्रेन के ज़रिए इस शटरिंग को किस तरह लगाया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी तादाद में स्टील के रिंग्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ रखे हुए, और स्टील बाइंडिंग का काम भी यहाँ चल रहा है। एक प्रॉपर टीम स्टील की इस वक्त यहाँ पर मौजूद काम कर रही है। और ये अगर मैं आपको यहाँ के मनाजर दिखाऊं तो ये इस वक्त यहाँ पर 4 से 5 स्टील के मज़ीद केज पाइल के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इस वक्त एक पाइल मशीन भी यहाँ मौजूद है और ये इस वक्त स्टील के रिंग वगैरह बना के ये केज बनाने का काम भी इस वक्त चल रहा है। दूर दूर तक अगर नज़र दौड़ाएं तो स्टील 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 की केज रिंग वगैरह हर चीज़ आप लोगों को यहाँ नज़र आ रही होगी। ये कयूमाबाद इंटरचेंज के मनाजिर हैं। सामने मलीर नदी, इसके अलावा सामने जाम सादिक ब्रिज और इस जाम सादिक ब्रिज के ऊपर एक नया न्यू जाम सादिक ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि मलीर एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा है और जो कयूमाबाद इंटरचेंज के नाम से आगे यूज़ किया जाएगा। ये आपके सामने आगे मनाजिर। इससे पहले भी मैं इस जगह की अपडेट कर चुका हूँ, मैंने लास्ट भी बताया था करंगी ब्रिज और मलीर एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करने का यहाँ पे प्लान किया गया है। इस चौकी के ऊपर एक राउंड अबाउट बनाया जाएगा और इस राउंड अबाउट से करंगी ब्रिज की तरफ एक रास्ता चले जाएगा, बाकी एक रास्ता मलीर एक्सप्रेसवे की तरफ को आ जाएगा जो कि यहाँ से जाम सादिक ब्रिज जो कि कयूमाबाद इंटरचेंज भी कहलाएगा, उसके बाद आगे उससे करंगी ईपीएम कॉजवे और उसके बाद शाह फैसल की तरफ को जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अर्थ फिलिंग का काम चल रहा है, कयूमाबाद इंटरचेंज के हवाले से ही ये कनेक्ट किया गया है और ये जो रोड है इसको आगे जाके न्यू जाम सादिक ब्रिज से मिलाया जाएगा। न्यू जाम सादिक ब्रिज बनेगा और इस ब्रिज के बाद ये ऊपर से फिर आउट होके करंगी ईवीएम कॉजवे की तरफ को चला जाएगा। ये आप लोगों के सामने आके मनाजिर।
इस वक्त मैं इन कॉलम्स के दरमियान मौजूद हूँ, जिसकी लास्ट मैंने 4 से 5 दफ़ा अपडेट की है। अगर बैक साइड की बात करूँ तो 4 कॉलम बैक साइड पे, और इसकी बात करूँ तो 4 कॉलम इधर फ्रंट पे। और अगर मैं सामने सेंटर सिटी पॉइंट बिल्डिंग, सेंटर पॉइंट बिल्डिंग और इसके साथ ये जाम सादिक ब्रिज, और 4 कॉलम यहाँ पर बनाए गए। ये न्यू जाम सादिक ब्रिज के हवाले से सारी वर्किंग है, और इस जाम सादिक ब्रिज के ऊपर से इसको गुजारा जाएगा। हाई टेंशन वायर के मुताबिक मैंने बता दिया कि इस पर काम फ़िलहाल चल रहा है, और इसको भी इंशाल्लाह जल्द जल्द यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। यह आप लोगों के सामने यहाँ के मनाजिर, जो कि कयूमाबाद इंटरचेंज यहाँ पर बनने जा रहा है। इस वक्त की अर्थ फिलिंग चल रही है। अगर मैं अपनी हाइट के हिसाब से बात करूँ तो ग्रेडर मशीन और इस वक्त जो लोडर यहाँ पर लगा हुआ काम कर रहा है, इस वक्त हाइट के हिसाब से तकरीबन ये कोई 15 फुट के करीब हाइट पर है। और अगर मैं सामने घुमाते घुमाते कैमरे को इस तरफ घुमाऊँ तो सामने आपको जाम सादिक ब्रिज होंगे, वो कॉलम्स नज़र आ गए होंगे जो कि न्यू जाम सादिक ब्रिज के हवाले से बनाए गए हैं। इस वक्त इस कॉलम के ऊपर पाइल कैप की तैयारी की जा रही है, और एक पाइल कैप भराई हो चुकी है आपके सामने, और इस पाइल की तैयारियां स्टील वगैरह यहाँ पहुँचा दिया गया है, शटरिंग यहाँ मौजूद है। अब इसके बाद इसकी तैयारी की जाएगी। जिस हिसाब से यहाँ पे मिट्टी की फिलिंग और यहाँ पर हाइट की बात हो रही है, एक अंदाज़ा मुझे भी यहाँ लग रहा है कि 45 फुट इसको हाइट पर लेके जाएंगे ज़मीन के लेवल से, और इस ब्रिज के ऊपर से अंदाज़ा है कोई 20 फुट के करीब इसका गैप डिस्टेंस होगा इस ब्रिज से ऊपर के ब्रिज का। एनीवे ये डिज़ाइन है, इसके मुताबिक क्योंकि मुझे डिज़ाइन मेरे पास नहीं है, बस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मेरे अपने आइडियाज़ हैं कि वो डिस्टेंस ज़्यादा हो मे भी कम हो। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।